बीसीसीआई ट्रायल्स के अंदर अभी नॉन परफॉर्मर्स भी हो रहे हैं सिलेक्ट आगे के लेवल के लिए, तो क्या ये मामला, लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों जैसे कि अभी आपको सबको मालूम है कि जगह जगह पे अभी स्टेट ट्रायल्स हो चुके हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स ऑलमोस्ट सभी जगह पे खत्म हो चुके हैं। और स्टेट ट्रायल्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि इसके ट्रायल्स ओपन फॉर रहते या फिर नहीं रहते। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इसके ट्रायल्स ही नहीं होते। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट क्या डिसीजन लेते हैं इसके बारे में। अगर कॉम्पिटिशन के वाइज अगर डिसीजन लिया जाए या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाए तो बिल्कुल भी ये जो है वो क्लोज फॉर्मेट में होती है ट्रायल्स, जिससे कि आपके जो आपको बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है इसकी। सीधा जो प्लेयर्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे परफॉर्म किए और जिनका नाम अच्छा है वो बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रायल देने के लिए जा सकते हैं। एक मेडिकल कैंप, फिटनेस कैंप होता है उनका भी, ऐसी बात नहीं है कि उनकी ट्रायल नहीं होती है, बिल्कुल भी होती है ट्रायल, बट आपको पता नहीं चलती क्योंकि नोटिफिकेशन कभी रिलीज ही नहीं करते एसोसिएशन। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको सबको मालूम है कि ट्रायल्स के बाद मेडिकल कैंप, फिटनेस कैंप होता है, उसके बाद में यहाँ पे वन डे चैलेंजर ट्रॉफी खेली जाती है और उसके बाद ही टीम में सिलेक्शन होता है अगर स्टेट टीम की बात की जाए तो। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि आज की अपडेट बिल्कुल भी राजस्थान से आई है। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर जैसे देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी 39 क्रिकेटर्स ऐसे है यहाँ पे, बिल्कुल भी 39 क्रिकेटर्स का यहाँ पे राजस्थान के टीम के अंदर सीनियर टीम कैंप के अंदर बिल्कुल भी नाम आ चुका है और साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि नॉन परफॉर्मेंस को भी दिया गया है मौका। दोस्तों तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, नॉन परफॉर्मर्स यानी कि बिल्कुल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था बट उनका टैलेंट कुछ अलग लेवल पे देखा होगा उन्होंने, या फिर जयपुर में हाल ही में अभी प्रोटेस्ट हुई थी तो क्या उसका इम्पैक्ट ये पड़ चुका है सीनियर मेंस की जो टीम है उनके अंदर जो कैंप लगने वाला है ट्रायल्स के बाद वो जो कैंप लगता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे 39 लोगों का यहाँ पे नाम शामिल है जिसमें नॉन परफॉर्मेंस भी शामिल है। दोस्तों तो आपके व्यूज जो है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलना कि आपको क्या लगता है ये सही है या फिर गलत है जो जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनके अगेंस्ट। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। बट दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं ऐसे अपडेट आपके सामने लाता हूं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और अपडेट के साथ। बाय बाय।